अपने गुरुदेव परमात्मा सावन कृपाल का धन्यवादी हाँ जिन्होंने आपकी याद विच सानू बैठन का मौका दिता है। ये उन्होंने ही दया है। सब संसार का दाता एक ही है। वो जिन्हू चाहे दात देवे, जिन्हू चाहे बख्शे। जिन्ना आत्मा का परमात्मा फैसला करता है कि मैं इन्हों हूँ अपने साथ मिलाना है, इन्हों दिल में तड़फ है क्योंकि वह अंदर बैठा है, सब की जानकारी रखता है। वो ही आत्मा संतां दे सत्संग विच आउंदियां, संपर्क विच आउंदियां हन, जो परमात्मा ने संतां नूं उन्हां दी अमानत शब्द नाम दी दित्ती है, वो खुशी होकर उन्हां दी अमानत उन्हां नूं सौंप दिंदे है। गुरु नानक ने कहा, पराई अमानत क्यों रखिए, दित्ती हूं सुख होए। संतां महात्मा दा उन्हां आत्मा वास्ते ही संसार विच आउणा हुंदा है। वो अपनी आत्मा का उभार दे के नाम नाल जोड़ते हैं और अभ्यास करा के मन इंद्रिया के काट तो लिया के उपर लिया के वो शब्द ना जोड़ के सतनाम की गोद विच पचाते हैं। यही संतां का कम है। जिन्ना चिर उहदे विच बैठते हैं यही सिलसिला आपका जारी रखते हैं। सतनाम अपने पास नहीं रखता, वो अनामी दे विच भेज दिंदा है। सतनाम ला बयान है, उन्हों कोई बयान नहीं कर सकता गा। तो कबीर साहब का तुहाडे अगे शब्द गुरु प्यार का रखा जाता है, बड़ा गौर ना सुनन वाला है। कबीर साहब दे शब्द नंबर 14 संतां दी बाणी पन्ना 97 गोरे से लगन कठन है पाई, गुर से लगन कठन है पाई। कबीर साहब बड़े प्यार ना कहंदे है के गुरु दे नाल प्यार पाउणा बड़ा ही कठिन है क्योंकि वो अपना घर सचखंड छड के संसार विच इंसानां दे विच इंसान बन के आ जाता है। एक तो उन्हें इंसानों वालियां किरिया करनियां हुंदियां हन, खाना पहनना टट्टी पेशाब बोलना चलना इंसानों वर्गा ही करना हुंदा है। दूसरा असी उन्हां दी पोजीशन दे उन्हां दी हस्ती दे वाकब नहीं हुंदे जब तक असी अंदर जाके अपनी अखां नाल खुद नहीं देख लेंगे दे। लेकिन वो महात्मा मालक दे प्यारे दुनिया दे विच रहिंदे होए दुनिया दीयां मैलां विच नहीं लिबड़दे गे, वो नरलेप रहिंदे है, वो अंदरों परमात्मा दे नाल जुड़े हुंदे है। बेशक किसी का पुलड़ पुत बुरी सोबत दे विच पै के बुरे कर्म कमा लैंदा है, जेल विच लै जांदा है, लेकिन पिता फिर भी उहदे छडाउण दा आजाद करन दा उद्यम करता है क्योंकि उस दे अंदर ममता है। एक संसारी पिता ममता का बजा अपने बच्चे की खातर कोर्ट जाता है, अच्छे तो अच्छा वकील करता है। साड़ी आत्मा वो सतपुरश कुल मालक की अंश है। जब वो भी आत्मा की दुर्दशा देखता है, दुखा सुखा दे विच घबराई देखता है, विषय बकारा के अंदर परेशान देखता है, तो उस तो भी रिहा नहीं जाता। वो खुद ही किसी ना किसी इंसान का तन तार के इस संसार विच आउंदा है। जद दा संसार बनया है सदा ही वो तन तार के परमात्मा संसार विच आउंदा रहा है। रिखी मुनि सदा ही तन तार के आउंदे रहे है। वो दो चार पीढ़ियां दस पीढ़ियां अपनियां चला के आखर जीवां नूं नामदान दिंदे रहिंदे है। जो भी उन्हां मालक दे प्यारियां नूं अनुभव दे विच आया सच्चाई देखी वो अपना ग्रंथां दे अंदर दर्ज कर गए है, साडे गाइडेंस दे वास्ते साडे फायदे वास्ते। उन्हां दे जाण तो बाद अनुभवी पुरशां दी कमी आ जांदी है और वो पुल विच पै जांदे है। उत्थों ही प्रोत्वाद संसार दे विच शुरू हुंदा है।
फिर कोई मालिक का प्यारा आता है वो बड़े प्यार ना समझाता है कि देखो भी प्यारे हो मैं थानू कोई नवी सिक्ख्या देने वास्ते नहीं आता गा आया गा जो सिक्ख्या मैं थानू दिना है तुसी अपने धर्म ग्रंथ पढ़ के देख लो उन्हां दे विच मौजूद है। कोई महात्मा ये नहीं कह के गया कि साडे पिछों कोई संत नहीं आएगा या सातों पहला नहीं कोई आया। वो कहिंदे सदा ही जीवां नूं तारन दा जीवां नूं आपदे नाल जोड़न दा परमात्मा सिलसिला जारी रखता है। उन्हां धर्म ग्रंथां दे अंदर जीवत महापुरश की जरूरत ते जोर दिता है नाम ते सत्संग ते। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जीवत साहिब सेवियो मन चलदा हारियो नीत। मैं जीवत गुरु महाराज गुरु रामदास दे पास गया उन्होंने मैनू जो मन हिरन की तरह पिटक पटक रहा सीगा पटका रहा सीगा जिन्हों कदे चैन नहीं सी उन्होंने साधन दिता मेरे मन में चैन आ गई। महाराज सावन सिंह सदा ही इसे नू प्यार ना समझाते होंगे सी कि वक्त दियाँ तीन चार चीज़ा कम दिंदियां हैं। वक्त का कोई संत महात्मा ही सानू शब्द नाम दे नाल जोड़ सकता है। वक्त का टीचर ही साढ़े बच्चे नू पढ़ा सकता है। वक्त का कोई वैद ही साड़ी बीमारी दूर कर सकता है और वक्त का पति ही औलाद पैदा कर सकता है। गोर से लगन कठन है पाई गुर से लगन कठन है पाई लगन लगे बिन काज न सर है जीव परले हुए जाई। कबीर साहब कहिंदे है बेशक गुरु दे नाल प्यार पाउणा बड़ा कठिन है अपने वर्गे इंसान नूं परमात्मा समझना बड़ा ही मुश्किल हुंदा है लेकिन इस घाटी ते आए बिना पूरा प्यार पाए बिना असी अंदर जाके पछाण ही नहीं सकते संतां दी पोजीशन नूं समझ ही नहीं सकते। गुरु तो बिना समाजां दीआं समाजां ही खाली पईआं हन और वो फायदा नहीं उठा रहे। तो जब भी महात्मा आए सिखां ने उन्हां दे प्यारे बच्चियां ने उन्हां नाल उतुट प्यार पाया। प्यार ही सानूं अंदर लिजा सकता है। आत्मा भी प्यार है परमात्मा भी प्यार है प्यार इहदा खाशा है प्यार ही इसका धर्म है। संतां नूं साडे प्यार की जरूरत नहीं हुंदी वो आप अपने गुरु के प्यार विच मस्त है। कोई सास गुरु के प्यार बिना वह खाली नहीं टपाउंदे गे सास सास नाल ही उहनां दा प्यार लग्या हुंदा है। इस वास्ते लेकिन सिख नूं जिन्ना चिकर सिख नूं गुरु के प्यार की बड़ी जरूरत है। लगन लगे बिन काज न सर है जीव परले होए जाई जैसे पपीहा प्यासा बूंदे का पिया पिया रट लाई। कि जा प्यार सिख दा गुरु नाल होना चाहिए है कैसा प्यार कारगर है आप पपीहे दी मिसाल दे के समझाते हैं। पपीहा प्यासा मर जाता है नदियां नालियां दा वो पानी नहीं पीता गा वह कहता मेरी कौम नू मेरी कुल नू लाज लग जा लगेगी। डल्ला मालवे दे विच बराड़ कौम दा सरदार सी गुरु गोबिंद सिंह जी जब मालवे विच आए वो कहन लग्या जी तुसी सानू याद कर दे सानू बुलाउंदे मेरे पास मालवे दे बड़े ही जवान है हार नहीं होनी सी। गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे देख भी डल्या ये परमात्मा दा पाणा है मैं पाणे विच ही खुश हाँ। वो कहिंदा नहीं जी अगर तुसी सानू बुलाउंदे तो कदे भी हार दा मूँह नहीं देखना पैंदा सीगा बातां कर ही रहे सी। इतने नूं एक सेवक कोई अच्छी जी बंदूक लेके आया गुरु गोबिंद सिंह कहन लगे लिया भी डल्या तेरी जड़ा कोई कौम चो बंदा है परख के देखिए कि बंदूक दा निशाना सही लगता है कि ये ठीक है। हुण
डल्ला सोचता है कि किनू लियावां, आखिर आप दे सारे ही सरदारां कोले कुनवे विच फिर गया कि गुरु साहब ने रैफल का निशाना परखना है, तुसी चलो, हुण कौन मौत दे मूँह आए। सब ने जवाब दे दिता, डल्ला गुरु गोबिंद सिंह कोले आके नीवी पा के खड़ गया, महाराज जी कोई तैयार नहीं। वह कह लगे तू फिर किस मूँह ना कहता सीगा कि तू सानू बुलाउंदे, तू जा बाहर साढ़े सिख होणगे उन्हां नूं तू दस दी कि गुरु साहब ने रैफल का निशाना परखना है, कोई आओ बई अगे। वो जब बाहर गया दो सिख अगे, एक पग बन रहा सी, एक आपदे केस साफ कर रहा सी कंघा वगैरह, और जाके दसिया कि गुरु साहब ने बई रैफल परखनी है, निशाना देखना है, एक सिख की लोड़ है। वो दोने जिस हालत दे विच सी उस तरह भजे, एक दे पग पैरां विच पैंदी आउंदी है, दूसरे दे उस तरह वाल खिलरे हुए है। एक आके कहिंदा जी इस तो बगैर घोड़े नहीं सांभे जाणेंगे, और घोड़िया की बड़ी सेवा करता है, तुसी मैनू निशाना बनाओ। दूसरा कहिंदा जी इस ने चमकौर साहब दे विच होर भी कई जंगा दे विच बड़ा कम जानता है, ये फन्ने जंग का बड़ा ही माहर है, क्यों ना मैनू निशाना बनाया जाए। ज वह दोने आपसरी में झगड़ते हैं, गुरु गोबिंद सिंह कह लगे प्यारे हो तुम दोने ही अगे रैफल दे खड़ जाओ, मैं दोनों का ही निशाना देख लेना है। गुरु साहब ने मारना तो की सी सिखा नशिस्त ली, और फैर कर दिता उपर दी टपा दिता। वो एक ने जड़ा पिछे खड़ा सीगा उसने अगले नूं तका दे के पासे करके आप अगे होया, और लेकिन उन्होंने अख तक नहीं चमकी। गुरु गोबिंद सिंह कह लगे वेख भी डल्या एदा ना सिखी है, उत्थे तां इहे जे प्रेमियां दा कम सीगा, हुण बच्चे है, पत्नियां हन, सब कुछ करे है, लेकिन किसे नूं पुछण तक भी नहीं गए। एदा ना सिखी है, एदा नाल प्यार है, एदा नाल श्रद्धा है। गुरु रामदास जी कहिंदे है मात पिता सुत इस्त्री सबहू ते प्यारा, कि माता तो पिता तो पुत्रां तो सब तो उच्चा प्यार गुरु दे नाल है। तन भी कुरबान है, मन भी कुरबान है गुरु तो, तन भी कुरबान है गुरु तो। संतां दा भाव यह नहीं हुंदा कि अपनियां जिम्मेवारियां तो दूर चले जाओ, तुसी बच्चियां नाल भी योग जो व्यवहार है उन्हां नूं भी प्यार दिओ, उन्हां दी देखभाल करो, लेकिन सब तो उच्चा और सुच्चा प्यार जो है वह गुरु नूं दिओ। फिर देखो सुरत अंदर जाती है या नहीं जाती, रोज़ गोडे नहीं अकड़ाने पैंदे। अगर जे असी ऐसी मशक कर लईए, ऐसी दिल विच धारना कर लईए, ऐसा प्यार पैदा कर लईए, मैं दसदा हुंदा सच्चे सिख दा गुरु दे पास जाना इस तरह हुंदा है जिस तरह खुशक गुरु नूं अग्नि दे नेड़े कर दईए। तो कबीर साहब कहिंदे है पपीहा कहिंदा मेरी कौम नूं कुल नूं लाज लगती है जे मैं खड़ा पानी पीना है। तो इस तरह जब सिख की धारणा पपीहे की तरह हो जाती है कि मेरी भी मैनू भी लाज लगती है जे मैं बगैर गुरु तो कोई होर ख्याल अंदर उठाना है। सुत्ता जागदा बैठा उठदा सदा गुरु का ही सिमरन है। महात्मा चतरदास महाराज सावण सिंह का नाम लेवा सी, वो उन्हां दा आशक सी। वो कहिंदे सीगे कि दिल अंदर तशवीर यार दी मूठी ना पकार करे, तीसरे तिल ते सिख दा ध्यान सदा ही गुरु दे स्वरूप विच मगन रहे और जवान दे उते सिमरन रहे। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। हुण आप प्यार ना कहंदे आ, कबीर साहब कहण लगे मैं एक दिन गंगा दे किनारे फिर रहा सीगा, पपीहे ने प्यासे ने गंगा च गिर के प्राण त्याग दिते, लेकिन अपनी चुंझ नहीं खोली, मूँह नहीं खोलिया कि मेरे मूँह विच किते पानी पै जावे। कबीर साहब कहंदे पपीहे की कुरबानी नूं देख के, पपीहे की श्रद्धा नूं देख के मेरा धीर चांदा रहा कि एक जानवर भी कितना ख्याल रखता है, कितना इरादे का पक्का है। पपीहे का पन देख के धीरज रही नरंच, मरदे दम जल में पड़ा तो न बोड़ी चुंच।
जैसे पपीहा प्यासा बूंदे का पिया पिया रट लाई प्यासे प्राण तलफ दिन राती और नीर न पाई जैसे मेरे गा शब्द स्नेही शब्द सुनने को जाई शब्द सुने और प्राण दान दे तन को नहीं डराई। कबीर साहब हिरन की मिसाल दे के समझाते हैं। साढ़े उत्थे राजस्थान के अंदर बीकानेर का अच्छा राजा गंगा सिंह होया है, वो जानवर का शिकार नहीं कर दिता सीगा। मिर्गां की बड़ी ही हिरना की उत्थे बढ़ोतरी सीगी, हजारों हजार हजार हिरन की डार फिरती सीगी। लेकिन फिर भी जो हिंसक जीव होंगे है वह कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे है। वो लोग जंगल दे विच जाके रात दे टाइम आवाजा बजाते सन, उन्हों कंडा हेड़ी का शब्द कहते हैं। तो मिर्ग उस आवाजे नू सुन के मस्त हो जाता, आके उन्होंने शिकारी दे सिर गोड़ियां दे उत्ते सिर रख दिंदा सीगा। इंसान के नेड़े मिर्ग जाता ही नहीं गा, लेकिन फिर शिकारी के नेड़े उसने की जाना सीगा। लेकिन वह बाजे के उत्ते मस्त हो जाता सीगा, अपने प्राण निछावर कर दिंदा सीगा। शिकारी उसका कीमा कीमा बनाते हैं, फिर उन्हें हांडियां चलना पैंदा है कि कन्ना के विषय ने उसकी जान ले ली है। कबीर साहब का कहने का भाव इतना ही है कि एक हिरन भी जिस चीज़ ना उसका प्यार है अपना तन मन कुर्बान करके रख दिंदा है। इस तरह सिख भी जब गुरु की शरण में आउंदा है वह भी आपका तन की ना मन की ना धन की परवाह करता है। उन्हें पता ही नहीं कि वक्त किस तरह गुजरता है, की हो रहा है, गुरु गुरु है। शब्द सुने ओ प्राण दान दे तन को नहीं डराई जैसे सती चढ़ी साते ऊपर पिया कीरा मन पाई पावक देख डरे वह नहीं हंसत बैठ सरामाई दो दो दल सन मुख आन जुड़े हैं सूरा लेत लड़ाई टुक टुक होए गिरे तरन पर खेत छोड़ नहीं जाई। कबीर साहब एक सूरमे की मिसाल देंदे है, दो दल है आमो सामने आके खड़ जाते हैं, अगर तो मैदाने जंग चो भज जाता है तो वह सूरमा नहीं वो दा अपजस हुंदा है। लोग उसनू कैर कह के बुलाउंदे है, उस मैदान नू नहीं छड़दा गा, बेशक उन्हूं अपनी जान क्यों ना वारनी पे। कबीर साहब के कहने का भाव इतना ही है कि असी दुनिया वास्ते इतनी वड्डी कुरबानी करते हैं, जान नू वार दिंदे हैं कि साड़ी साड़ा जस होवे साड़ा अपजस ना होवे। पिछले जवानियां दे अंदर जब इस तरह सूरमे, क्योंकि तलवार की लड़ाई सीगी,
ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਢੋਲ ਟਮੱਕੇ ਖੂਹ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਵਾਮਾ ਵਾਜਿਆ ਪੜਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕਾ ਦਾਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾਗਦ ਦਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਅਬ ਜੂਜਨ ਕਾ ਦਾਉ, ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋੜੇ ਖੇਤ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਲਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋੜੇ ਖੇਤ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਮਾਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਝਾੜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੰਤ ਇੱਕਦਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ, ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਟੀਟਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਖੱਲਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਅਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਛਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਟੀਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਛਾ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਉੱਥੇ ਖਟੀਟਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਬਦਬੂ ਆਈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਕਾਯਕ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸ ਫਕੀਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪਬਲਿਕ ਲੰਘੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਸੀ।
टुक टुक होए गिरे तारन पर खेत छोड़ने जाई छोड़ो तन अपनी की आसा निरपय होए गुणगाई कहत कबीर सुनो पाई साधो ने तो जन्म नसाई। कबीर साहब कहते हैं सत्संगी नू निरपय होके शब्द नाम की कमाई करनी चाहिए है, सत्संग च हाजरी लगानी चाहिए है। कदे भी ये सत्संगी के दिमाग च नहीं होना चाहिए गा कि समाज सानू की कहेंगे या लोग कहेंगे कितना पढ़िया लिखा है ये साधा दे सत्संग फिरदा है या ये कितना रुतबे का मालिक है साधा मगर फिरदा है। सत्संगी नू डर हमेशा ही यह होना चाहिए कि मेरा कितने भजन दे विच रुकावट ना पवे, मैं भजन दे विच नागा ना पा बैठा, सत्संग च भी कितने नागा ना पा बैठा। गुरु का डर गुरु का प्यार दो चीज़ा सत्संगी नू हमेशा ही लेके चलना चाहिए है। कबीर साहब ने प्यार ना छोटे जे शब्द विच अच्छी तरह दस्या गुरु प्यार के किस तरह का गुरु ना प्यार होना चाहिए है। तन मन दी परवाह ना करते हुए गुरु का दिता हुआ सिमरन करना है, वो दी संगत और सोबत तो फायदा उठाना है। कुगियां कावां नू नहीं पता कि कूंजां किस देश चों आउंदियां हन, कूंजां दी सार कूंजां ही जानदियां हन जिहड़ियां उन्हां दे नाल उडारी लाउंदियां हन। पहला पहला सानू बाहर परोशा बनाउणा पैंदा है, कुछ दिनों बाद जदों असीं अभ्यास करना शुरू करते हैं सुरत अंदर जाती है, सच्चा परोसा सानू अंदर जाके ही आउंदा है। एक बारी परोशा जां सच्चा अंदर आ जाता है वो टुटदा नहीं, भावें सारी दुनिया एक पासे हो जाए कि यह ठीक नहीं वो छड्डन वास्ते तैयार ही नहीं गा। पहला प्यार लाउणा औखा है, अगर लग जाए तो फिर इन छड्डना भी औखा है। सानू चाहिए है जो कुछ कबीर साहब ने सानू समझाया है उस पर अमल करना चाहिए, अपने जीवन में पवित्र बना के शब्द नाम की कमाई करनी है। Grande